रवि सोनी भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप धामन गांव में पधारे हो, माता रेणुका के जो भजन एल्बम है उसकी शूटिंग में आए हुए हो। जो बैतूल का बहुत अच्छा गांव माना जाता है धामन गांव, जहाँ सिद्ध शक्तिपीठ माँ रेणुका विराजमान है, और यही इस जो गांव को लेके जो दिख रहा है सामने आपके जो पीछे साइड में, इस गांव के लोगों के प्रति आपकी कैसी सहानुभूति रही, कैसा व्यवहार रहा इनका, और कैसे लोग यहाँ से इस माता की जी महिमा के लिए प्रयास कर रहे हैं? ऐसा भैया, जो जब से मैं और मेरे साथ जितना वो पूरा टीम आए हुए यहाँ पर, जी सभी के लिए एक तो ये नई जगह, जी प्लस माँ रेणुका माता का ये बड़ा पावन स्थान यहाँ पर जो बना हुआ है जी, वो प्लस यहाँ की जो पब्लिक है जी, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित देखी मुझे जी, कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई काम चल रहा है जी। बिल्कुल माता के चरणों में जो भक्ति गीत गाए हुए हैं सभी कलाकारों ने जी, उनको यहाँ से पब्लिक से बहुत रिस्पॉन्स मिला कि कई जगह जाते हैं हम सभी कलाकार, लेकिन वहाँ पर जो नहीं मिलता जी वो यहाँ मिला है। बिल्कुल, इसमें कई जगह तो ऐसा होता है कि शूटिंग पे आप जाते तो सिर्फ कलाकार लोग ही रहते हैं, हाँ, और वही शूट करते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कलाकार कम और सुनने और देखने वाली पब्लिक ज़्यादा है। जिस गांव के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, जो गांव आपके सामने दिख रहा है, जो धामन गांव ही दिख रहा है, ये तो बड़ा परम पावन स्थान कहला है जी। जब से माँ रेणुका ने यहाँ पर अपने चरण रखे हैं जी इस गांव में जी अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है जी, जब धामन गांव विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो जाएगा जी। बिल्कुल क्योंकि जहाँ पर माँ की कृपा नहीं होती बराबर तो दबा होता है, और जिस पर माँ की कृपा जहाँ पर हो जाती है जी, चाहे वो इंसान हो या वो जगह हो, बिल्कुल अगर माँ की कृपा हो गई है जी तो माँ रेणुका की कृपा से अब ये विश्व प्रसिद्ध स्थान बन जाएगा जी। मेरी भी ये इच्छा है, और यहाँ माँ के जितने भक्त हैं जी सभी उसी प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल